Hey everyone, काफी लेट उठे हम लोग और थोड़ा लेजी मॉर्निंग चल रहा है, बट काफी अच्छा व्यू है। लेट तो नहीं उठे, 7:30-8 बजे उठ गए थे, बट आजकल इतना अच्छा रूटीन चल रहा है कि उसके हिसाब से लेट लग रहा है। बट सनराइज देखने का मेनली, बट सनराइज देख नहीं पाए, सनसेट देख। और जिनी हम लोग ब्रश कर रहे थे, तो जिनी को मन था कि यहाँ से ब्रश करे, यहाँ से कहीं तत्वन वत्वन तोड़ के लाए और यहाँ से बालकनी से थूकता। अलग अलग शौक है, बट फिर काफी टेम्पटिंग था, मेरा ही मन कर रहा था तत्वन रहता तो तत्वन चले जाता। सही में हाँ, बगान में तत्वन करते रहते हैं आराम ओके ऐसा झूला लगा लेना, जिनी को शौक है झूले का। मेरा तो मन था कि ऐसा कुछ बड़ा सा, तो गार्डन वाला घर खरीदो, क्या गार्डन वाला घर खरीदे। नॉर्मल घर खरीदने का ये नहीं है, पैसा नहीं है और इसको गार्डन वाला घर चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो तेरा, तू भी तो जॉब कर रही है ना, तू खरीद ले। ओके गाइस, करोड़ों का प्रॉपर्टी है मेरा, हाथ दर्द रहा है, वो मोबाइल नहीं पकड़ सकते, इस पे हम लोग ऑफलाइन बात करते हैं। हेलो दीपेश का मॉर्निंग रूटीन है और वो हर दिन दौड़ने जाता है, वो यहाँ भी मिस नहीं करना चाहता, तो वर्कआउट करने जा रहा है। यस कूल, सी यू लेटर। आधे घंटे का वर्कआउट ताकि स्ट्रीक ब्रेक ना हो। अकाउंट में तो रिटायरमेंट ले लियो। वीडियो है ये, फोटो नहीं है, पहली बार। 8-10 करोड़ होता तो रिटायरमेंट। जो सुन रहा है डोनेट कर दो यार कुछ पैसे। 8 करोड़ होता तो ऐसा घर लेके तू मतलब सेटल हो जाता, और मतलब फिर आगे यश बोलता कि मेरा पढ़ाई और हमको हार्वर्ड जाना है, तो यश होम स्कूलिंग करेगा, हार्वर्ड क्यों जाएगा। हाँ, होम स्कूलिंग, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हार्वर्ड क्यों जाना है ना यश, यूट्यूब। ओके तो सब कुछ सेटअप हो चुका है और ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। यूट्यूब क्या बन रहा है, समथिंग स्पेशल। पोहा बना है, पोहा बना है। और जिनी और किसले बहुत गाली दे रहे थे, ये लोग हमको भेजे थे कढ़ी पत्ता लाने के लिए। किसले लाए, तुमको नहीं मिला ना? नहीं मिला। तुम वीडियो बना रहे थे? नहीं, हम दूसरे रीजन में ढूंढ रहे थे और कढ़ी पत्ता आई थिंक ये लोग, जहाँ ये लोग है केयर टेकर लोग, वो लोग के एरिया में। तो ओहो, तो काफी पोहा टेस्टी होने वाला है, राइट। कूल, अब ब्राउन ब्रेड, पोहा एंड चाय सब कुछ रेडी हो चुका है और हम लोग भी खाने के लिए रेडी, बहुत भूख लगा हुआ है। आ जाओ बैठ जाओ जिनी। हाँ जी बैठ जाओ। आई स्टार्टेड बिना किसी के, मैं स्टार्ट कर दिया, सॉरी। सही किया, कोई नहीं कोई नहीं, सब लोग एकदम भूखे हैं, भूख तो लगा है जबरदस्त। नाश्ता रेडी है, दो लग रहा है। हाँ, कूल। ठीक है, मिलते हैं नाश्ता के बाद। हम लोगों को लगा हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उतने देर से बोल रहे थे, और सबसे इंटेलिजेंट निकली जिनी, बोल रही कि वीडियो बन नहीं रहा है। टेक्निकल
हाँ तो किसले का प्लान है कि हम लोगों को कच्चा बादाम पे डांस करना है, और दीपेश बोल रहा है कि मतलब कितने कम आईक्यू वाले लोग हो गए दुनिया में, वो अपनी नजरों में गिर जाएगा। और अगर वो कच्चा बादाम, हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं कच्चा बादाम पे, उसका ट्यूटोरियल चल रहा है कुछ। करो हम ही, मतलब मेरा अपना ही मजाक है। हाँ करो, ये जो बोल रहे हो मारे इधर करो, करो लमाई क्यों करो तुम लोग, मतलब बाकी सबको आता है ना, एडिट करना पड़ेगा। तो आज का लंच का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिनेश की है। क्या बन रहा है दिनेश, क्या बन रहा है खाने में? खाने में बन रहा है दाल भात चोखा। हाँ, और दाल को थोड़ा तड़का लगा दिया जाएगा। प्याज चोखा में भी जाएगा और दाल में भी जाएगा। हाँ। टमाटर दाल में जाएगा और ये सब दाल को तड़का लगाने के लिए। हाँ। और तुम्हारा तो स्पेशलिटी डिश है ये। मेरा स्पेशलिटी आइटम है दाल भात चोखा। हाँ। और कैसा मजा आ रहा है किचन में बनाने में? हाँ, काफी फैल है, काफी स्पेस है, कैसा लगा? हाँ वो तो हम लोग देखेंगे कैसा बनता है। अच्छा, देखेंगे ही कैसा बनता है, ये क्या टोन है? अच्छा बनाते तुम, खाए मैं तो बन। और कच्चा बादाम का प्रैक्टिस कैसा रहा? ओ सिर्फ किस्मत, कच्चा बादाम काफी फन था, मतलब काफी गंदा डांस कर रहे थे बट सेशन काफी फन। कच्चा बादाम वाले उसमें तुमको क्या लगता है, तुम कैसा करते हो? दीपेश अच्छा कर पाएंगे बस, सही में। बाकी तो बहुत ही खराब ही करेंगे। अब ऐसा बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है ना, मेरा बॉडी रिजिड है, लोहा ऐसे कमर लचकाने थोड़ी लगेगा, हम लोहा आदमी का। चलो तो हम लोग ये फाइनल अब, हाँ ये क्या बोलना है, चलो खाने पे मिलते हैं, बाय। अच्छा है दीपेश, कैसा बना है दीपेश चोखा, कैसा बना है जिनी चोखा टेस्ट करो। अबे तुम अपना डीलिंग, हाँ देखो ऐसी करती है, मेरा बात सुनती है, तो लोग कपड़ा देते हैं ना ठंडे के लिए, जो लोग ऐसे इग्नोर कर रहे, चोखा खाई और बताई भी नहीं, यही सुनना था। ओके गाइस।